सध्याच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत आरोग्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. यामुळे प्रत्येक व्यक्ती व्याधीग्रस्त झाल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे सुदृढ जीवनशैली अवलंब करणे गरजेचे असल्याचे मत शहरातील अपेक्स हॉस्पिटलच्या न्यूरोसर्जन डॉक्टर भावना टाकळकर आणि डॉक्टर अब्दुल माजिद यांनी व्यक्त केलेत. तो मेरा ये सल्ला रहेगा की बीमारी बोल के नहीं आती है, तो प्लान फॉर इट, हैव योर ओन इंश्योरेंस फॉर इट, सो दैट दिस डज नॉट, जो बीमारी रहती है वो एज इट इज स्ट्रेसफुल रहती है पेशेंट्स के लिए, फैमिली के लिए. ऐसे वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेस का दिमाग में नहीं रहेगा तो ज़्यादा आसान रहेगा. इमोशनल आम्ही सगळेच आहोत, कदाचित म्हणूनच जास्त चांगलं काम करू शकतो. आशिष पाटील नावाचा जो पेशंट होता, त्या मुलाला ॲक्सिडेंट झाल्यानंतर त्याचं हार्ट बंद झालं. बंद झाल्यानंतर मी एक छोटंसं होल केलं आणि त्यातनं हवा किंवा रक्त येतं का बघितलं. थोडं रक्त आलं तर त्याची बुबुळची साईज छोटी झाली, कमी झाली. अरे काहीतरी आशा दिसतीये, लेट अस ट्राय. तर त्यांना मी एकच म्हटलं, सर तुम्ही सुद्धा 27-28 वर्षापासून प्रॅक्टिस करता आहात आणि तुम्ही मला सांगा हार्ट बंद झालेल्या पेशंटची सर्जरी करायची रिस्क तुम्ही किती पेशंटची घेतली. आणि आज माझी सगळी टीम ही रिस्क घेतीये. मी वॉश झाले, आमची ॲनेसेटिस्ट तयार झाली, सिमित असिस्ट करायला तयार झाला, आम्ही आमचे किती स्टेप्स लावले त्याच्यात. लाइफस्टाइल चेंज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो या ब्रेन अटैक का हो या डिमेंशिया हो, दूसरे सारे प्रॉब्लम्स हो. इतने सारे मरीज मेरे पास आ रहे हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं करने की वजह से. उनकी अब रात में, मिसाल के तौर पे रात में जागना है, अब रात में 10 बजे नहीं सोते लोग, कोई 12, कोई 1, कोई 2, कोई 3, सोशल मीडिया, मोबाइल, इंटरनेट, इसके ऊपर रात गुजर जा रही. और पूरा वो रात में जो सोने का वक्त अल्लाह ताला ने दिया है वो दिन में सोते हुए गुजर रहे हैं, रात में जागते हुए गुजर रहे हैं. उसकी वजह से पूरी तब्दीली आने की वजह से उनको फिट्स आ रहे हैं, सर में दर्द होता है, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं. और टारगेट्स, एक कॉम्पिटिशन है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन जिसको बोलते हैं कि गला काटने वाली जो स्पर्धा है, कॉम्पिटिशन, उसमें लगे हुए हैं. टारगेट है, एम है, बस ये करना है, ये करना है. इन्हें इतना जूम इन कर चुके हैं कि वो सही पिक्चर सामने ही नहीं आ रहा है. तो हमको जूम आउट करने की ज़रूरत है, ज़रा पीछे जाने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझने की ज़रूरत है. इसलिए WHO ने जो डेफिनेशन दिया हेल्थ की, वो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, सोशल फिटनेस और स्पिरिचुअल फिटनेस. हम फिजिकल की तरफ तो थोड़ा बहुत ध्यान दे देते हैं, मेंटल सुकून के लिए ध्यान नहीं देते. उसके बाद सोशल, हमारी एक सोसाइटी के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है, उसको भी पूरा करना है कहीं ना कहीं जाके. और फिर स्पिरिचुअल, कि मेरा खालिक व मालिक कौन है उसको पहचानना और उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करना.